महामारी के कारण आज पूरी दुनिया भयावह मानवीय त्रासदी से गुजर रही है, लेकिन वहीं इसका दूसरा पहलू भी है जो हम सभी के लिए जानना जरूरी है, ताकि संकट से उभरने के बाद भी वो हमारे जहन में बना रहे, हमें याद रहे। और ये पहलू है प्रकृति का। जिस तरह की खबरें और वीडियोस दुनिया भर से आ रही है, उससे ये साबित होता है कि ये महामारी मानवता के लिए काल लेकिन प्रकृति के लिए वरदान साबित हुई। हमने अपनी इस धरती और प्रकृति का इतना शोषण और दोहन किया है, लेकिन अब दुनिया के अधिकतर देश लॉकडाउन होने के कारण इसमें काफी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे एयर क्वालिटी बढ़ गई है, नदियों का पानी स्वच्छ हो गया है, जानवरों को उनका स्पेस मिल रहा है, नीला आसमान देखने को मिल रहा है और पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई देने लगा है। तो चलिए आपको हम रूबरू करवाते हैं कुछ ऐसे ही वीडियोस से, जिसमें लॉकडाउन के चलते दुनिया की वो तस्वीर सामने आई जो पहले के मुकाबले काफी हद तक बदल गई। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। इंसानों के अपने घरों में कैद होने के बाद जंगली जानवर उन जगहों पर बेफिक्र विचरण कर रहे हैं जो कभी दरअसल उन्हीं की विरासत थी। अब जानवर आजादी और बिना डर के बाहर घूम रहे हैं। ऐसे ही वीडियो पूरे देश भर से सामने आ रही है। जैसे ओडिशा के समुद्री तट पर इस बार अंडे देने के लिए लुप्त प्राय 7,90,000 ऑलिव रिडले कछुए पहुंचे। अगर इसे इस महामारी का गुड इफेक्ट कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन कछुओं ने गहिरमाथा और रूसी कुल्ले में 6 करोड़ से ज्यादा अंडे दिए। इससे पहले यह तट सैलानियों और लोगों से खचाखच भरा रहता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते मछुआरों और टूरिस्ट की गतिविधि ठप पड़ गई। इसी के चलते इतनी बड़ी संख्या में इस बार कछुए पहुंच गए। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर इंसानों की गतिविधियां सीमित नहीं होती तो इनमें से बहुत सारे रास्ते में ही मर जाते या फिर अन्य बाधाओं के चलते पहुंच ही नहीं पाते। रिपोर्ट्स के अनुसार मानव घुसपैठ और तट पर कचरे के ढेर ने उन्हें 2019 में घोंसले से दूर रखा था। पड़ोसी देश नेपाल में खाली सड़क पर गैंडे को चलते देखा गया। बंद दुकानों के साथ सड़कों पर गैंडे को निरीक्षण करते देखा जा सकता है। चितवन नेशनल पार्क से निकलकर गैंडा सड़कों पर आ गया था। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गैंडा सड़क पर घूमता है, तभी वहां एक शख्स गैंडे को देखकर दौड़ लगा देता है। गैंडा भी उसके पीछे भागने लगता है, जैसे कह रहा हो कि लॉकडाउन से बाहर नहीं निकलने का। लेकिन शख्स तेजी से भाग निकलता है और गैंडा आगे की तरफ निकल जाता है। लोगों के अनुसार गैंडा ये देखने आया था कि लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या नहीं। मुंबई से आई इस दूसरी वीडियो में देखा जा सकता है कि मरीन ड्राइव पर कई डॉल्फिन्स मस्ती कर रही हैं। इस वीडियो को वन अधिकारी प्रवीण कासवान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। जब से लोग घरों में रह रहे हैं, तब से डॉल्फिन्स मरीन ड्राइव के तट पर आ गई हैं। इतनी संख्या में डॉल्फिन एक साथ तट पर कभी नहीं आती थी। अब जबकि मछुआरे समुद्र में मछली मारने नहीं जा रहे हैं, तो उनकी संख्या में तेजी आ गई है। दिल्ली में जहां पहले तमाम तरह के शोर के कारण हम पक्षियों की चहचहाट भूल चुके थे, अब वो दोबारा सुनाई देने लगे हैं। लॉकडाउन की वजह से अब उल्लू, शिकरा, मोर, ब्लैक इबिस, ग्रीन पिजन, पर्पल सनबर्ड जैसी कई प्रजातियां दिल्ली के रिहायशी क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं बिल्कुल नजदीकी चिड़िया हमारे बिल्कुल समीप। इस वीडियो में देहरादून की कॉलोनी में खाली सड़क पर दौड़ते हुए हिरण को साफ देखा जा सकता है। और इसके अलावा भारतीय वन अधिकारी सुशांत नंदा द्वारा ट्विटर पर पोस्ट की गई इस दूसरी वीडियो में 3 सांभर हिरणों को उत्तराखंड की एक सोसाइटी में टहलते हुए देखा जा सकता है, जबकि घर के अंदर बंद लोगों ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। सड़कों पर स्वतंत्र रूप से घूमते हुए इन वन्य जीवों की आदत न होने के कारण कुत्तों को हिरणों पर भौंकते हुए सुना जा सकता है। इस तीसरी वीडियो में पूरे हिरण के समूह को सड़क पर घूमते हुए देखा जा सकता है, जहाँ लॉकडाउन से पहले गाड़ियां दौड़ती थी। जहाँ इटली में इस महामारी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, वहीं लॉकडाउन के चलते सार्डिनिया के तटों पर क्रूज गायब है और अब डॉल्फिन्स वापस तटों के पास लौट रही है और मस्ती कर रही है। ये वीडियो 27 मार्च नोएडा से आई है, जिसमें कुछ पुलिस वालों को जंगलों में घूमने वाली नील गाय सेक्टर 38A स्थित GIP मॉल के पास घूमती दिखी। नोएडा का सेक्टर 38A पॉश सेक्टर्स में माना जाता है, इसलिए ऐसा दृश्य लोगों के लिए किसी अचंभे से कम नहीं है। भारतीय वन सेवा के अधिकारियों ने वन्य जीवों के वीडियो शेयर किए, जिनमें विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके कस्तूरी बिलाव यानी मालाबार स्वीट नाम की बिग कैट का वीडियो भी शामिल है, जिन्हें आखिरी बार 1990 में देखा गया था।
IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने केरल के कोझिकोड में सड़क पर घूमते हुए कस्तूरी बिलाव का वीडियो साझा किया। उन्होंने वीडियो के साथ साझा किए हुए ट्वीट में कहा, ये जीव गंभीर रूप से खतरे में है और अब सिर्फ 250 वयस्क बिलाव ही बचे हैं। इन्हें 1990 के बाद से नहीं देखा गया था। इसी प्रकार इसराइल के तेल अविव एयरपोर्ट पर गीस के परिवार को विचरण करते कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। उत्तरी वेल्स के लेंदुडनो की सुनसान सड़कों पर कश्मीरी बकरियों के एक झुंड को टहलते हुए देखा जा सकता है, जहां के निवासी भी बाकी देशों की तरह महामारी के दौरान लॉकडाउन में हैं। ये कश्मीरी बकरियां ग्रेट ऑर्मे से नीचे शहर में आ गई थी। इन सड़कों पर टहलते, भागते और घास और झाड़ियां खाते आसानी से देखा जा सकता है। इसी प्रकार सिंगापुर के मरीना बे एरिया के चारों तरफ उद्बिलावों को खेलते देखा जा रहा है। वैसे यहाँ उद्बिलावों को देखना इतना खास नहीं है, लेकिन इस वीडियो में आप इन्हें बिना किसी डर के निश्चिंत होकर खेलते हुए देख सकते हैं, जो लोगों की मौजूदगी में पहले नहीं होता था। मेट्रो वैंकूवर के नॉर्थ तट पर इंडियन आर्म में किलर वेल को ऊपर आते हुए भी देखा गया। ऐसा 59 साल में पहली बार हुआ। ठीक ऐसे ही फ्रांस में भी वेल देखने को मिली, लेकिन जहाँ कुछ जंगली जानवरों को लॉकडाउन के दौरान काफी सुकून मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर कई जानवरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कुत्ते, कबूतर, बंदर इत्यादि, जो खाने के लिए पूरी तरह इंसानों पर आश्रित हो चुके हैं। इसलिए जब भी आप किसी जरूरी काम से बाहर निकलें तो इनका जरूर ख्याल रखें। लॉकडाउन की वजह से जहाँ तमाम फैक्ट्रीज बंद है, यातायात के तमाम साधन बंद है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लग रहा है, लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, शेयर बाजार औंधे मुंह गिर चला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कार्बन उत्सर्जन रुक गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल वहां प्रदूषण 50% कम हो गया है। जिस यमुना नदी से कभी बदबू आया करती थी, उसके आसपास अब खुशबूदार वातावरण हो गया है। महामारी की वजह से पूरे देश में जब से 21 दिन का लॉकडाउन लगा है, तब से अब तक पॉल्यूशन के स्तर में काफी कमी आ गई है। खासकर यमुना नदी पर इसका असर साफ देखा जा रहा है। इस नदी को साफ करने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन फिर भी अधिक सफाई नहीं हो पाई थी, जो लॉकडाउन की वजह से इतनी साफ हो गई। केवल राजधानी दिल्ली ही नहीं, बल्कि देश भर के अन्य राज्यों में भी इस महामारी का सकारात्मक परिणाम देखने को मिला, जैसे गंगा का जल फिर से निर्मल होने लगा है। दावे के अनुसार गंगा जल में 35-40% का सुधार देखने को मिला। कारखानों के बंद होने के चलते गंगा में मिलने वाला दूषित जल नदारद है, जिससे पानी स्वच्छ दिख रहा है। घाटों के किनारे होने वाली गतिविधियां बंद है, जैसे शव जलना, नौकायन, अन्य गतिविधियां। इसके कारण भी 5% गंदगी कम हुई है। इसमें घुलित ऑक्सीजन 5-6 प्रति लीटर mg से बढ़कर 8-9 हो गई है। लॉकडाउन की वजह से ऐसा ही हाल वेनिस की नहरों का है। पानी में देखने पर आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दे रहा है। न केवल रेतीले तल को साफ साफ देखा जा सकता है, बल्कि छोटी मछलियां, केकड़े वापस लौट आए और बहुरंगी पौधे भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। जब फैक्ट्रीज और गाड़ियां बंद है तो हवा में प्रदूषण भी कम हुआ और ओजोन परत में सुधार के संकेत मिले। वायु प्रदूषण की कमी के चलते पेड़ पौधे अब स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं। पर्यावरण पर सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। हवा साफ हो गई है, आसमान नीला दिखाई दे रहा है, पूरा मंजर बदलता हुआ नजर आ रहा है। सुबह अक्सर नींद अलार्म से नहीं, परिंदों के शोर से खुलती है, जिसकी आवाज भी हम भूल चुके थे। बालकनी में जाएं तो नजर ऐसे आसमान पर पड़ती है जो अजनबी नजर आता है। इतना नीला आसमान दिल्ली NCR में रहने वाले बहुत से लोगों ने जिंदगी में शायद पहली बार देखा हो। फलक पर उड़ते हुए सफेद रुई जैसे बादल बेहद दिलकश लग रहे हैं। यही हाल पूरे भारत और विश्व का भी है। इसी कारण चीन में भी कार्बन उत्सर्जन में 25% कमी आई है। द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार ये 20 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। चीन के 6 बड़े पावर हाउस में 2019 के अंतिम महीनों से ही कोयले के इस्तेमाल में 40% की कमी आई है। पिछले साल इन्हीं दिनों की तुलना में चीन के 337 शहरों की हवा की गुणवत्ता में 11.4% का सुधार हुआ। ये आंकड़े खुद चीन के पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किए हैं। यूरोप की सैटेलाइट तस्वीर ये बताती है कि उत्तरी इटली से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हो रहा है। ब्रिटेन और स्पेन की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। यहाँ तक कि लॉकडाउन के दौरान दुनिया के अधिकांश हिस्सों में धरती की सतह पर कंपन कम हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब दुनिया फिर से पहले की तरह चलने लगी तो क्या कार्बन उत्सर्जन फिर से नहीं बढ़ेगा? पर्यावरण में जो बदलाव आज हम देख पा रहे हैं, क्या वो हमेशा के लिए स्थिर हो जाएंगे? अब दोबारा बात हम पर आती है कि आगे हम प्रकृति के साथ सब सही हो जाने पर कैसे पेश आएंगे। अभी लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण में जो बदलाव हमें देखने को मिले,
उसको हम हमेशा के लिए अपने जहन में बैठा पाते हैं कि नहीं। पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को अपनी आदतें बदलनी होगी। अगर वो खुद नहीं बदलते हैं तो उन्हें जबरन बदलवाना पड़ेगा। जिस तरह मौजूदा समय में जान बचाना लोगों की प्राथमिकता बना हुआ है, वैसे ही लोगों को पर्यावरण के प्रति चिंतित कराया जाना जरूरी है। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा की तरह इसे एक मिशन के तौर पर लिया जाए। ग्रेटा इस मुश्किल समय में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपना मिशन आगे बढ़ा रही है। The world is waking up and change is coming whether you like it or not. उम्मीद है आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। इस महामारी ने एक बात साफ कर दी है कि मुश्किल घड़ी में सारी दुनिया एक साथ खड़ी होकर एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार है। तो फिर क्या यही जज्बा और इच्छा शक्ति हम पर्यावरण बचाने के लिए जाहिर नहीं कर सकते? हमें उम्मीद है इस समय का अंधकार हम स्वच्छ और हरे भरे वातावरण से मिटा देंगे, तभी असली मायनों में बहारें लौटेंगी।